आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी ने कितनी बुरी तरह से ध्वस्त ध्वस्त किया, कितना मतलब एक तरह से आप सोचिए कि पटरी से बिल्कुल उतार दिया। अब उसे दोबारा लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि विश्व के कोई भी देश नहीं बचा हुआ है जो कोरोना से मुझे लगता है कि ना प्रभावित हुआ हो। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए आप लोग, कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो पहले आप अपनी विकास दर सुना करते थे कि 7.4 7.5, लेकिन अब वही सुन रहे हैं कि 1 से 1.5%, कोई 2.5%, बस इतना ही बताया जा रहा है। तो देखते हैं आपका उसी के संदर्भ में लिखा गया है। याद रखिए, प्रीलिम्स में और मेंस में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना रहा है। तो इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए या तो अर्थव्यवस्था से या समाज से इस तरह के क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना भी है। कोविड 19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर रही। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के उपरांत अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति में है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बुरी स्थिति में थी, कोरोना महामारी आने के पहले ही स्थिति में खराब थी। लेकिन एक तरह से उसमें जो कमी रह गई थी वो पूरी कर दी किसने? कोरोना महामारी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी भले ही कृषि क्षेत्र हो, परंतु वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के पीछे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ परंपरागत समस्याएं हैं, यथा निम्नपिति व्यक्ति आय, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि हर व्यक्ति की कम आय है। आर्थिक असमानता, यानी कि आप देखते हैं कोई गरीब है, कोई बिल्कुल खाने के लिए नहीं है किसी के पास। कृषि पर भारी भारी दबाव और कृषि का पिछड़ापन, अत्यधिक जनसंख्या वाले पैमाने पर बेरोजगारी इत्यादि। कोविड-19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। कब? ये कोविड-19 के आने के पहले की बात की जा रही है। रियल जीडीपी के आधार पर 11 साल के न्यूनतम स्तर पर थी, और परंतु कोविड-19 द्वारा जारी वैश्विक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख नए संकट उत्पन्न कर दिए। एक तरह से कहिए कि पहले से स्थिति हमारी खराब चली जा रही थी, लेकिन फिर इसने और बुरी तरह से हमें प्रभावित कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख यानी कि सामने चुनौतियां क्या है। गिरती जीडीपी, वर्तमान की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरी संकट की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में जो आकलन जारी किए हैं, रेटिंग एजेंसियां होती हैं, वो आप सोचिए कि वो क्या करती हैं, रेटिंग देती हैं, ये चिंताजनक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, मूडीज जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में एक बड़ी कटौती की है। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 1.9% रह सकती है। कितनी? 1.9%। एक समय हम क्या देखते थे? 7.4, 7.5, समझ रहे हैं? और याद रखिए, जो भी संगठन है, रेटिंग एजेंसियां, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, सभी महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सब कुछ डला हुआ है और बड़े विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक, अब है आपका रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन कहने का मतलब होता है कि पहले आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाते हैं शहरों की तरफ, अभी उल्टा देखा गया है कि शहरों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ वापस जा रहे थे, यानी कि रिवर्स हो रहे थे। इन सभी समस्याओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था रिवर्स माइग्रेशन को भी देख रही है। अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय रिवर्स माइग्रेशन के फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों पर संकट उत्पन्न हो गया है। अमेरिका में H-1 वीजा के नियमों में परिवर्तन भारत के लिए हितकर नहीं है। ऐसी स्थिति में रेमिटेंस के घटने की भी संभावना पूरी है। फिर आपका है रोजगार का अवसर। भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के
कि जारी अभी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट से पहले भारत में कुल रोजगारी आबादी की संख्या का 40.4 करोड़ थी, जो इस संकट के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है। इस बात को आप भी जानते होंगे कि रोजगार बहुत बुरी तरह से गया हुआ है, समझ रहे हैं? फिलहाल WHO की बात माने तो COVID-19 के संकट का अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। इसे समझ रहे हैं इस लाइन को? जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या कह रहा है कि अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। अभी मतलब एक तरह से कहिए कि अभी ये तो ट्रेलर है, आगे मूवी आना बाकी है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, जो भी स्थिति होती है हम लोग देखते रहे, ठीक। अब है आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अंतरराज्यीय रिवर्स माइग्रेशन के कारण कृषि पर दबाव बढ़ गया है और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रवासी श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में मांग भी कम हुई है। इस प्रकार की स्थिति ने अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, क्योंकि अभी सोचिए आपके जो लोग बाहर से कमा रहे थे और अपने गांव की तरफ भेज रहे थे, अब उल्टा हो रहा है कि मतलब अब गांव में आ चुके हैं। वो अभी जो मतलब समझिए कि उनके पास एक दो जगह से इनकम थी वो बंद हो चुकी है, तो पूरी तरह से वो जिस पे या तो खेती पर पूरी तरह से निर्भर हो गए या ऋण पर पूरी तरह से निर्भर हो गए, ठीक है। अन्य आर्थिक प्रभाव की बात करूं तो इसके साथ ही देखेंगे शिक्षा, जिम, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां भी रुकी है, जिन्होंने आर्थिक समस्या को अत्यंत गंभीर कर दिया है। इससे विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार समाप्त हो गए। आप लोग जानते हैं, पर्यटन को ले लीजिए, हमारे देश में बहुत हमारी GDP में बहुत योगदान है, बहुत बड़ा। किसका? पर्यटन का। पर्यटन का मतलब सीधा सा मतलब है कि आप सोचिए, चलिए मान लीजिए आप लोग कि आगरा कोई घूमने आ रहा है, ठीक है, बाहर से आ रहा है या अपने ही देश से कोई जा रहा है, तो वहां जाएगा तो आप सोचिए कि वहां टैक्सी जो चल रही होगी उन्हें भी रोजगार मिलता होगा। फिर आप सोचिए जो वहां होटलें खुली होंगी या रेस्टोरेंट होंगे, जो भी व्यवस्था होगी उन्हें भी रोजगार मिलेगा। वहां जो फूल लगाए हुए होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा, मंदिर जा रहा है कोई, तो आप समझ रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पर्यटन में, समझ रहे हैं। अब पर्यटन नहीं आएंगे तो वो वहां होटल खोल के क्या करेंगे, टैक्सी चला के क्या करेंगे, जो भी गाइड करने वाला होगा वो क्या करेगा वहां। तो इन पर भी प्रभाव पड़ा है। वैश्विक कारकों की अगर बात करूं तो अमेरिका चीन की व्यापारिक जंग और भारत चीन की व्यापारिक जंग भी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा है कि भारत ने किस तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप सोचिए कि अगर देखिए, एक तरह से बदले की भावना ही है, वरना आप सोच रहे हैं कि कोई भी हमारे यहाँ था, कोई ही उनका ऐप था तो उससे हमें भी फायदा होता था, समझ रहे हैं, टिकटॉक हो या कोई हो तो कम से कम रोजगार तो देता था और मतलब हमारे यहाँ बहुत कुछ कर देते, लेकिन एक तरह से हमने रोक लगा दी तो इससे भी हम लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। भारत के सम्मुख नए अवसर की बात करूं तो चीन द्वारा वायरस के प्रसार के चर्चा के मध्य कई कंपनियों ने चीन से भारत की तरफ पलायन किया है। क्या है? भारत की तरफ पलायन किया, लेकिन जिस तरह हम सोच रहे थे उस तरह हमारे यहाँ कंपनियां नहीं आई हुई है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता का प्रयास देश की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने में सहायक होगा। कृषि तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग इस समय भी वृद्धि दर्ज कर रहा है। कई वर्षों उपरांत ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की GDP तो गिरावट दर्ज कर रही है परंतु कृषि गतिविधियों ने वृद्धि दर्ज की है। एक आप सोचिए कि कोरोना महामारी को अगर हराने में किसी का योगदान रहेगा तो किसानों को अभी काफी हद तक कम से कम फसल हो गई, तो आप सोचिए कि भूख से नहीं मर रहे हैं, वरना देखा जाता कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा भूख से मर जाते हैं। तो कृषि ने बहुत बुरी मतलब कोई उस पर ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है कृषि पर। तकनीकी यथा ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन जैसी गतिविधियों ने न सिर्फ लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों की ओर गति दी है, वरन डिजिटल इंडिया की संकल्पना को भी बल दिया है। आगे की राय क्या हो सकती है? भारत की आर्थिक स्थिति निसंदेह खराब अवस्था में चल रही है, परंतु इसमें सुधार किया जा सकता है।
विश्व बैंक के अनुसार यदि भारतीय नीतिगत सुधार करने में सफल होता है तो देश की अनुमानित जो विकास दर है इसे 2% वृद्धि अर्थव्यवस्था 4 तक बढ़ सकती है, यानी कि 4% तक हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच सकती है। इस दृष्टि से भारत को एक वित्तीय परिषद की आवश्यकता है जो इन विषयों से संबंधित निर्णय ले सके, और इसके साथ रिजर्व बैंक को अपनी भूमिका में आना होगा, देश में नगद का प्रवाह बढ़ाना होगा, परियोजना निगरानी समूह को गठन करना होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय निवेश पर तत्काल निर्णय ले सके, सरकार को एमएसएमई को गति प्रदान करना होगा। इस निमित्त सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, और याद रखिए यह कहने का मतलब है, आप समझिए, देश में नकदी प्रवाह को बढ़ाना होगा। आप सोचिए, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ खरीदेंगे, कहीं बाजार से कुछ खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो आप, यानी एक तरह से कह सकते हैं, मांग बढ़ेगी, यानी कि आप सामान खरीदेंगे तभी तो उत्पादन करेंगे वो लोग। अगर मांग हो ही ना तो उत्पादन करके क्या करेंगे। तो इसीलिए तो कहा जा रहा था कि डायरेक्ट पैसा दे देनी चाहिए, अभी जिस तरह से आपने देखा है यूएसए में दिया गया है या बाकी देश में कहीं भी दिया गया है, हर जगह दिया गया है। तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी और उद्योग धंधे जो भी है पुनः चल उठेंगे, और पुनः चलेंगे तो आप सोचिए रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो फिर मांग एक तरफ से बनी रहेगी नियमित रूप से। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार संभव होगा। चलिए आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि क्या हाल है क्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल में।